दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल ऑल अबाउट योर हेल्थ में। तो दोस्तों, आज हम एक और हेल्दी रेसिपी बनाने वाले हैं, वो है ओट्स की इडली। पहले वीडियो में मैंने आपको बताया था ओट्स का चीला कैसे बनाया जाता है, आज हम बनाएंगे ओट्स की इडली। बहुत ही हेल्दी है, जल्दी से बनने वाली है, साथ में सांभर बनाना भी सीखेंगे और पीनट्स की चटनी भी बनाएंगे। पहले वाले वीडियो में मैंने बताया था कोकोनट चटनी कैसे बनती है, उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप देख सकते हैं लिंक। तो अब चलिए जल्दी से बना देते हैं। तो ओट्स की इडली बनाने के लिए मैंने यहाँ पर एक ओट्स का ये जो सेक कर मैंने पाउडर बना लिया है, एक कटोरी बड़ा, एक कटोरी मैंने अच्छा सा सेका था क्रंची होने तक, और उसका मैंने ये मिक्सी में डाल के पाउडर बना लिया है। तो ये मैं एक बड़ा कटोरी ओट्स पाउडर लिया, आधा कटोरी सिकी हुई सूजी ली है, मिक्स करेंगे इसको। थोड़ा सॉल्ट डालेंगे, आधे से थोड़ा कम चम्मच। मैंने ग्रीन चिली कट करके रखी है, एक ग्रीन चिली। अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं या कम तीखा पसंद करते हैं तो आप थोड़ा कम डाल सकते हैं। धनिया पाउडर, ये धनिया डाल दिया है मैंने थोड़ा। अगर आप चाहते हैं तो धनिया पाउडर ऐड कर सकते हैं, बट मैंने ये धनिया डाला है, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है इडली में। ये मैंने एक गाजर को अच्छे से कस के रख रखा है, ये मैं डाल देती हूँ। अब इसको पहले हम मिक्स करते हैं। इसके अंदर में आधा कप मैंने दही लिया है, दही डाल दिया, अच्छे से इसको मिक्स करेंगे। अब हम थोड़ा थोड़ा सा करके पानी डालेंगे, ये मैंने 7 से 8 चम्मच पानी डाला है, इसको मिक्स करेंगे। एक साथ ज्यादा पानी नहीं डालें, थोड़ा और पानी डालेंगे। अबाउट मैंने टोटल अभी तक 1/2 गिलास वाटर ऐड कर दिया है इसके अंदर। अब हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। तो ये देखिए, ये इतना थिक होना चाहिए बैटर। इसको करीब मेरे को आधे से थोड़ा सा ज्यादा कप का पानी लगा है, और अब हम इसके तड़के की तैयारी कर लेते हैं। तो इसके अंदर डालने के लिए जो हम तड़का तैयार कर रहे हैं, उसके लिए मैंने पैन में 1 चम्मच ऑयल डाल दिया है। अब मैं इसके अंदर 1 चम्मच राई डाल देती हूँ, थोड़ी सी चने की दाल, थोड़ी सी वाइट उड़द और करी पत्ता, आप साबुत भी डाल सकते हैं, और मैं थोड़ा सा उसको तोड़ के डाल रही हूँ, थोड़ा सा इसको मिक्स करके। और हम गैस बंद कर देंगे और इसके अंदर जो हमने बैटर तैयार किया है उसमें हम इसको मिक्स कर देंगे। और अब हम ये जो हमने बैटर तैयार किया है इसको 20 मिनट के लिए ढककर रख देंगे, ताकि जो हम लोगों ने इसमें सूजी का जो यूज किया है वो सूजी इसमें थोड़ी सी अच्छे से मेल्ट हो जाए और फूल जाए। तब तक हम इसके साथ खाने वाला सांबर और मूंगफली की चटनी भी तैयार कर लेते हैं। इसको हम ढक देते हैं। मूंगफली की चटनी बनाने के लिए हम सबसे पहले एक पैन चढ़ाएंगे और उसमें 1 चम्मच ऑयल डाल देंगे। गरम हो, उससे पहले ये मैंने मूंगफली को अच्छे से सेक कर उसके छिलके उतार लिए हैं, ये हम इसमें जार में डाल देते हैं।
पैन में जो तेल डाला था वो भी गर्म हो चुका है। अब हम वाइट उड़द की दाल जो है वो मैं छोटी एक चम्मच डाल रही हूँ, चने की दाल आधा चम्मच, ये मैंने गार्लिक लिया है 2 कली, आप अपने स्वाद के अनुसार डाल सकते हैं, एक भी डाल सकते हैं। अब मैं डाल रही हूँ, गैस मैंने बिल्कुल कम कर रखी है, ये मैंने एक बड़ी हरी मिर्च डाल दी है, इसको मैं अच्छे से सेक कर, देखिए दाल ब्राउन हो गई है। और अब मैं ये जो मैंने मूंगफली ली थी इसके अंदर डाल देती हूँ। और अब हमने ये जो तैयार किया इसको हम अच्छे से पीस देंगे। तो पीसने के लिए मैंने ये जार यहाँ रख दिया है, और अब इसके अंदर मैं नमक डाल रही हूँ। नमक आप अपने स्वाद के अनुसार डाल सकते हैं, मैंने आधा चम्मच लिया है। मैं इसमें ये मैंने इमली का प्यूरी बना के रख रखा है, इमली को भिगो के उसको प्यूरी बना दिया है मैंने, ये मैं एक चम्मच डाल रही हूँ। थोड़ा मैं इसमें हींग ले रही हूँ बिल्कुल चुटकी भर, और इसमें पानी डालेंगे हम 5 से 6 चम्मच, हमने इसमें पानी डाल दिया है। और अब हम इसको अच्छी तरीके से एक चटनी की कंसिस्टेंसी में पीस लेंगे। एक बार हम इसको चेक कर लेते हैं, ये देखिए ये भी थोड़ी सी थिक है। आप इसमें याद रखिए एक साथ बहुत सारा पानी नहीं डालना है, धीरे धीरे करके हम उसका कंसिस्टेंसी चेक करके फिर इसमें पानी डालेंगे। अब हम पहले हमने 4 से 5 चम्मच डाला था, अभी फिर हम 3 से 4 चम्मच पानी डाल रहे हैं, और अब हम इसको वापस पीस देंगे। चेक कर लेते हैं, ये देखिए ये हमारा मूंगफली का चटनी बिल्कुल तैयार है। अभी अब हम इसके अंदर राई का तड़का लगाएंगे, ये देखिए ये इसका ये कंसिस्टेंसी रहेगा, मैं आपको दिखा देती हूँ। अब हम इसको एक बर्तन में खाली कर देते हैं। तो हमारी चटनी के लिए देखिए ये मैंने इसमें खाली कर दी है चटनी, चटनी के लिए अब हम इसका तड़का तैयार कर रहे हैं। तड़के के लिए अगेन हम 1 चम्मच ऑयल डालेंगे, मीडियम आंच पे है गैस। अब हम इसके अंदर राई डाल देंगे, 1 चम्मच उड़द का दाल, आधा चम्मच मैं डाल रही हूँ चने की दाल, और ये थोड़ा कड़ी पत्ता लिया है मैंने, 2 लाल मिर्च ली है मैंने, इसको अच्छे से सेक के जब दाल ब्राउन होने लगे अब हमारा ये तड़का तैयार है। गैस बंद कर देंगे और इसमें पोर कर देंगे। ये देखिए हमारी मूंगफली की चटनी तैयार है। सांभर बनाने के लिए मैंने यहाँ पर एक कढ़ाई में 2 चम्मच तेल डाल दिए हैं, और अब मैं इसके अंदर हींग डालूंगी चुटकी भर हींग, व्हाइट उड़द दाल 1 चम्मच, राई डाल रही हूं मैं यहां 1 चम्मच। अच्छे से राई चटकने लग जाए और दाल थोड़ी सी ब्राउन होने लग जाए तब मैं इसके अंदर ग्रीन चिली डाल रही हूँ
यहाँ मैंने दो छोटी ग्रीन चिली यूज करी है। गैस को मैं मीडियम आंच पे कर रही हूँ। फिर मैं इसमें पड़ी ये करी पत्ता डाल रही हूँ। यहाँ मैंने छोटे अनियन लिए हैं। आप अगर छोटे अनियन आपके पास अवेलेबल नहीं है तो आप नॉर्मल अनियन ले सकते हैं। अनियन डाला है मैंने यहाँ छोटे, करीब 10 से 11। और अब मैं एक एक करके सब्जियाँ डाल रही हूँ। यहाँ मैंने फ्रेंच बीन ली है, मैंने कैरेट लिया है, गाजर छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर दिया है, मैंने टमाटर लिया है, आलू लिया है, बैंगन लिया है, ब्रिंजॉल। आप अपनी मनपसंद की सब्जियां डाल सकते हैं इसके अंदर। अब मैं इसमें फ्रेंच बीन डाल रही हूँ, गाजर, ये आलू, ब्रिंजॉल, इसको अच्छे से सौते कर देते हैं। और अब मैं इसमें टमेटो डाल दूंगी। यहाँ मैंने एक पटेटो लिया था, एक ब्रिंजल लिया था, 5 से 6 फ्रेंच बीन ली थी, और जो टमाटर लिया था वो एक बड़ा टमाटर लिया था। आप कोई भी सब्जियाँ डाल सकते हैं, आप बॉटल गार्ड का भी यूज़ कर सकते हैं, आप ड्रम स्टिक्स डाल सकते हैं। मैंने इसको थोड़े से अच्छे से सॉटे किया और अब मैं इसके अंदर सॉल्ट डालूंगी। सॉल्ट आप अपने स्वाद के अनुसार लीजिए। यहाँ मैंने 1 चम्मच सॉल्ट डाला है क्योंकि जब मैंने दाल को बॉईल किया था तो उसके अंदर मैंने ऑलरेडी थोड़ा सा सॉल्ट ऐड कर दिया था। अब मैं यहाँ टर्मरिक पाउडर डाल रही हूँ, 1/2 चम्मच टर्मरिक पाउडर। एक चम्मच मैं रेड चिली पाउडर डाल रही हूँ। हम रेड चिली पाउडर पहले थोड़ा सा डालेंगे क्योंकि जब हमारा सांभर तैयार होने लगेगा तब हम इसके अंदर सांभर मसाला भी ऐड करेंगे जिसमें भी रेड चिली होती है। थोड़ा ही डालिए। अब हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और अब मैं ये इमली का जो मैंने प्यूरी बनाया है वो मैं डाल रही हूँ। करीब मैंने यहाँ 2 चम्मच डाल दिए हैं। गैस को मीडियम फ्लेम पर रखेंगे और अब हम इसके अंदर थोड़ा पानी ऐड करेंगे ताकि हम सब्जी को थोड़ा गला सकें। अब हम इसको अच्छे से ढककर रख देते हैं, ढककर 4 से 5 मिनट तक पकने देंगे। ये थोड़ा सा पूरा गलाने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा पक जाए 80-85% तब तक हम इसको पकाएंगे। 5 मिनट बाद में हम चेक कर लेंगे। ये देखिए ये थोड़ा पक गया है हमारा सब सब्जियां। वैसे अगर कोई भी सब्जी या कोई चीज पकानी होती है तो हम जो खटाई डालने वाले होते हैं वो सबसे लास्ट में डालते हैं, बट सांभर में हम लोग खटाई शुरू में ही डाल देते हैं ताकि वो सब्जियों के अंदर जाके सब सब्जियों को भी थोड़ा खट्टापन दे दे। तो अब ये तैयार है और अब हम ये जो मैंने तूर दाल उबाल के रखी हुई है, तूर दाल जब उबाली थी तो मैंने इसमें नमक डाला था, थोड़ी हल्दी डाली थी और मैंने कोरिएंडर पाउडर डाला और अब मैं इसको इसमें डाल रही हूँ। इसको मिक्स करके हम इसमें थोड़ा पानी डालेंगे। जब इस तरह से सांभर बनाते हैं तो बहुत ही टेस्टी लगता है। चाहे आप डोसे के साथ में खा सकते हैं इसे, आप इडली के साथ में खा सकते हैं जैसे आज हम लोग बना रहे हैं, आप मेंदू वड़े के साथ में भी खा सकते हैं। अब मैं इसमें थोड़ा पानी डालूंगी क्योंकि थोड़ा सा पतला होता है ये, तो मिक्स करेंगे।
मैं इसके अंदर सांबर मसाला जो मैंने बना के रखा है सांबर मसाला डालूंगी, करीब आधा चम्मच डाल दिया है मैंने। और ये मैं इसके अंदर गरम मसाला ऐड कर रही हूँ। थोड़ा गरम मसाला मैंने ये घर पे ही बनाया, इसका आप लिंक देख सकते हैं मेरे डिस्क्रिप्शन में। अब मैं इसको थोड़ा मिक्स करके, आप इसका कंसिस्टेंसी चेक कर सकते हैं आपको कितना थिक रखना है। इसमें हम थोड़ा पानी और डाल देंगे। पानी डालने के बाद में हम इसको एक उबाल आने तक अच्छे से पकने देंगे। आप देख सकते हैं इसमें एक उबाल आ गया है, तो ये हमारा सांबर बिल्कुल पूरी तरीके से तैयार हो गया है। कुछ लोग इसको थोड़ा खट्टा मीठा करने के लिए जैगरी भी ऐड कर देते हैं, बट मैंने प्योर पूरा खट्टा ही रखा है। आप ऑप्शनल है, अगर आप रखना चाहें तो आप इसमें जैगरी ऐड कर सकते हैं। इसको बंद कर देते हैं गैस को और इसको एक बर्तन में खाली कर देते हैं। तो लीजिए, ये सांबर भी हमारा तैयार हो गया है। 20 मिनट हो चुके हैं, 20 मिनट बाद मैं देखती हूँ, ये सूजी पूरी तरीके से फूल चुकी है और आप देख सकते हैं ये थोड़ा सा गाढ़ा है, तो इसके अंदर हम थोड़ा पानी डालते हैं और इसको मिक्स करते हैं। इसी बीच में हम इसमें आधा चम्मच ईनो डाल रहे हैं, ईनो से बहुत अच्छी फूल जाएगी इडली। तो अब आप देख सकते हैं ये अच्छा सा मिक्स हो गया है और आप थोड़ा सा पानी और डाल के आप देख सकते हैं, आप खुद चेक कर सकते हैं कि इडली का बैटर जैसे हम बनाते हैं उस हिसाब से हम इसको थिक रखेंगे। और एक तरफ मैंने पानी गर्म करने के लिए रख दिया है कुकर के अंदर। तो आज मैं पहले कुकर के अंदर कैसे इडली बनाते हैं वो मैं दिखा रही हूँ, क्योंकि हर किसी के पास में इडली मेकर नहीं होता है। तो मैं बहुत ही आसान तरीके से बना रही हूँ कुकर के अंदर। ओके, अब ये हम एक तरफ रखते हैं और हमारा जो इडली मेकर है इसके अंदर हम थोड़ा सा ग्रीस कर देते हैं ऑयल, ताकि जब हम इडली बनाएं तो उसको नीचे लगे नहीं। इसको 15 से 20 मिनट तक फिर हम बिल्कुल मीडियम आंच पे, लो मीडियम बिल्कुल हम इसको पकने देंगे। कुकर के अंदर मैंने थोड़ा पानी डाल दिया है, पानी में देखिए स्टीम हो गया है। अब हम इसको धीरे धीरे, हम जो हमारा बैटर हमने तैयार किया है वो हम डाल देंगे। अगर आपको थोड़ा थिक लगता है तो आप इसमें थोड़ा पानी ऐड कर सकते हैं। अबाउट हमने फुल एक गिलास इस बैटर को बनाने के लिए पानी को हमने यूज किया है। अब हम इसमें धीरे धीरे से ये पोर कर देते हैं इसके अंदर। तो देखिए ये मैंने इसके अंदर डाल दिया है सारा हमारा बैटर, और अब मैं इसको कुकर के अंदर पकने तक के लिए रख दूंगी। अच्छी सी भाप से पक जाएगी ये, मैंने लो मीडियम मैंने आंच रख रखा है। ये मैंने कुकर में रख दिया है और अब मैंने ये विसिल हटा दिया है कुकर का, रिंग भी हटा दिया है, और अब मैं इसको बंद करके 15 से 20 मिनट तक अच्छे से पकने देंगे। और अब मैं यहाँ इडली को दूसरे तरीके से कैसे बना सकते हैं ओवन के अंदर, अब मैं वो बता देती हूँ आपको। तो ओवन में बनाने के लिए भी पहले हम ये जो ओवन के साथ में प्लेट्स आती हैं इडली के जो आते हैं, इसको हम ग्रीस कर देंगे अच्छे से। और ये मैंने पहले से ही एक मिनट तक के लिए ओवन में पानी गर्म कर दिया था। अब हम इसमें ये जो हमारा बैटर है वो हम डाल देंगे।
इसके अंदर हम, ये देखिए मैंने इसमें डाल दिया हमारा बैटर, ये हम एक एक करके इसमें काजू भी डाल सकते हैं, ये ऑप्शनल है पर ये बहुत अच्छा लगता है अगर ऐसे हम डाल देते हैं तो। सारी इडली में हम इसको ऊपर की तरफ डाल के और अब हम इसको अवन में माइक्रोवेव करेंगे 3 मिनट्स के लिए। ये मैंने इसका लिड लगा दिया है और ये मैं अंदर रख के इसको हम माइक्रोवेव करेंगे, माइक्रोवेव और 3 मिनट्स के लिए हम इसमें टाइम सेट कर देंगे। तो 20 मिनट के बाद में मैंने ये कुकर वाला निकाल लिया, देखिए हम ऐसे चेक करेंगे बिल्कुल क्लियर बाहर आ रहा है ये देखिए। और ये हमारी जो हमने 3 मिनट में हमने अवन में बनाई थी वो भी बिल्कुल तैयार है, ये देखिए बहुत ही अच्छी से तैयार है। ये देखिए कितनी सॉफ्ट बनी है। तो अब हम इसको प्लेटिंग के लिए तैयार करते हैं। तो तैयार है हमारी ओट्स इडली प्लस सांभर और पीनट्स चटनी के साथ में। तो स्वस्थ खाइए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, हेल्दी खाइए, हेल्दी खिलाइए।